अचानक बंद हुई ट्रॉली, भगवान का नाम ले काटी रात, रोपवे टूटने से हवा में लटकी रही 48 जिंदगी, बेपरवाह प्रशासन, बेबस जनता, हादसे का कौन जिम्मेदार? यकीनन ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, आपका कलेजा भी इन तस्वीरों को देख मुंह को आ गया होगा। कैसे 48 जिंदगी हवा में झूल गई? रात भर लोगों ने सिर्फ प्रभु से दुआ मांगी कि हे भगवान, किसी तरह ये संकट काट दे। मौत की दहलीज पर खड़े लोग क्यों और कैसे रूप में वे फंस गए, ये आगे आपको बताएंगे। मगर पहले ये जान लीजिए कि हैरान परेशान करने वाला मामला है झारखंड के देवघर का, जहां त्रिकुट पर्वत पर श्रद्धालु पहुंचे तो थे रामनवमी के दिन दर्शन के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनकी जंग मौत से होगी, जिंदगी के लिए, और ये जंग घंटों घंटों उन्हें लड़नी होगी। देखते ही देखते करीब 75 लोगों की सांसें हवा में अटक गई। हादसे में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें देखिए। चलिए समझाते हैं कि हादसा आखिर कैसे हुआ। दरअसल रविवार की शाम त्रिकुट रोपवे जैसे स्टेशन से चालू हुआ तो पहाड़ की चोटी पर स्थित रोपवे के यूटीपी स्टेशन का रोलर अचानक टूट गया। इस कारण सबसे पहले ऊपर की एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोग सवार थे। स्थानीय लोग और रोपवे कर्मी ने मिलकर उस ट्रॉली में फंसे 5 लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे के दौरान रोपवे की बाकी 23 ट्रॉलियां 7 फीट नीचे अचानक लटक गई। इसमें सबसे नीचे की 2 ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। इन दोनों ट्रॉलियों में सवार सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना के बाद नीचे ऑफिस में कार्यरत रोपवे के प्रबंधन के सभी कर्मी और अधिकारी भाग निकले। इस घटना ने साफ कर दिया है कि व्यवस्था के नाम पर लाखों डकारने वाले अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता अपनी जान पर खेल कर चुकाती है, जिसका नतीजा आपके सामने है। सवाल ये है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।